बॉल टेम्परिंग के मामले में सजा प्राप्त करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर ने लोगों से उनके द्वारा की गई गलती के लिए माफी मांगी है। बता दें, वार्नर को ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्राउंड पर जो भी काम किया उससे पूरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बदनामी हुई है। इस बाबत वार्नर ने कहा, टीम के साथियों और सहायक कर्मचारियों से माफी मांगता हूं और केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं। शर्मिंदगी के साथ साथ वार्नर को अब ये डर सताने लगा है कि अब वे शायद दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए न खेल पाए। इस बारे में बात करते हुए वार्नर ने बताया, मेरे दिमाग में उम्मीद की एक छोटी सी किरण है कि मैं एक दिन अपने देश के लिए फिर से खेल पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बॉल टेम्परिंग की घटना के बाद क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया था। विवाद में फंसे स्टीव स्मिथ और वार्नर पर एक साल का बैन लगाया गया है। इसके अलावा कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगा है।